Hello everyone, welcome back to my new special video. I am Mousom Bharadwaj and you all know me as a sketch artist. और बहुत सारे ऐसे ऑयल पेंटिंग वगैरह भी है, वॉल पेंटिंग वगैरह वो भी मैं बनाता हूँ, तो आप मेरा चैनल पर देख सकते हो. तो मेरा चैनल पर उस टाइप की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, रियलिस्टिक टाइप के आर्ट वर्क्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ पेंटिंग्स वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होगी या फिर तरह तरह के ड्राॅइंग रिलेटेड वीडियोज़ ही आपको मेरा चैनल पर मिल जाएगा. तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी करें. और उसके साथ साथ आज ये जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ ये कमीशन वर्क है मेरा ही, एक फ्रेंड का आर्ट है तो मैं इसे बना रहा हूँ. तो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये देखिए स्केचिंग करते वक्त कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. हालांकि स्केचिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पर मैंने ऐसे बता चुका हूँ कि अपने आर्टवर्क्स को रियलिस्टिक तक किस तरीके से ले जाए, हाइपर रियलिज्म कैसे बनाएं, लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्टकट में थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दूँ कि मान लो कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट बन पाता है, बहुत अच्छा आप आर्टिस्ट हो, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम बिल्कुल भी नहीं दोगे अपने आर्टवर्क्स को तो वो हाइपर रियलिज्म नहीं बनेगा. हाइपर रियलिज्म के लिए डेली के 12 घंटे और 2 से 3 घंटे ऐसे देते हुए आपको कम से कम 5-6 दिन लगातार काम करना पड़ेगा, तभी एक आर्टवर्क बहुत ही अच्छा हाइपर रियलिज्म बन पाता है. क्योंकि हाइपर रियलिज्म में कम से कम 48 आवर्स से लेते हुए 72 आवर्स तक का टाइम लगता है.